अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में किसी बच्चे की कोई क्वेश्चन या क्वेरी है उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैम, लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। बेटा, रिकॉर्डिंग सारी आपके LMS पे जो आपको ड्राइव का लिंक दिया हुआ है उसी में है। मैम, उसके अंदर ना एनाटॉमी की है। यस मैम। क्या हुआ? मैम, वो लेक्चर 7 में ना एनाटॉमी की रिकॉर्डिंग दिख रही है। अच्छा, मे बी फिर मेरे से जो है ना एनाटॉमी की पुट हो गई थी। मैं चेंज कर दूंगी, अगर वहाँ पे एनाटॉमी की है तो देख लेती हूँ। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम, अल्ट्रासाउंड क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में, जबकि हम डायग्नोसिस के लिए तो अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं? बेटा, डायग्नोसिस के लिए जो आप अल्ट्रासाउंड यूज कर रहे हैं वो आप कितनी देर के लिए यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड? एक तो वो मशीन का सेटअप और है, ठीक है, लेकिन चलो वेव्स की अगर बात कर लें हम, कि वो भी अल्ट्रासाउंड एनर्जी है, अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, ये भी अल्ट्रासाउंड है। डायग्नोसिस के लिए आप यूज करते हो फॉर मैक्सिमम ऑफ 1 to 2 minutes, ठीक है ना, इससे ज्यादा लंबा तो अल्ट्रासाउंड नहीं होता। ट्रीटमेंट के लिए आपने फ्रॉम 15-20 minutes तक आप अल्ट्रासाउंड की थेरेपी देते हो, ठीक है। जब इतनी ज्यादा टाइम के लिए अल्ट्रासाउनिक रेडिएशन, और जो अल्ट्रासाउंड आप डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं, इन गायनेकोलॉजी गायनेकोलॉजिस्ट जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो भी ज्यादा नहीं करवाना चाहिए। लाइक इट्स ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड कि हर टाइम जो है ईच एंड एवरी मंथ या आफ्टर ट्वाइस इन अ मंथ जो है अल्ट्रासाउंड के लिए चले जाएं, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द फीटस, ठीक है, बट दैट इज इन वेरी लिटिल ड्यूरेशन। और जो आप थेरेप्यूटिकली फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड करना है वो तो बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो वो आप अप्लाई नहीं करते हो इन द रीजन ऑफ एब्डोमिन एंड
पेल्विस, लेग पे, शोल्डर पे आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, थैंक यू मैम. ठीक है, चलिए फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. आज हमने मीडियम फ्रिक्वेंसी, बच्चों अपने म्यूट रखें अपने माइक्स आप लोग. किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज कर दिया करें. जी आज हम स्टार्ट करते हैं मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स. आज हमने देखने हैं मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स क्या होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं और इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स वगैरह क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं. मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स वो करंट्स होंगे जो कि मीडियम रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी में फॉल करेंगे. ना उनकी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी लाइक अल्ट्रासाउंड, ठीक है, जो हाई फ्रिक्वेंसी है, ना ही उनकी बहुत ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी होगी. जैसा कि आपके लो फ्रिक्वेंसी करंट्स में फेरेडिक करंट या गैल्वेनिक करंट है, उनकी लो फ्रिक्वेंसी थी. तो मीडियम रेंज क्या है हमारे पास, 1000 to 10,000 Hz के बीच में जो करंट्स होते हैं दोज आर कॉल्ड एज मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स. They are being used therapeutically due to their advantage of greater penetration and with a higher tolerance and comfort over the low frequency currents. अब क्यों ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं थेरेप्यूटिकली, इनका बहुत अच्छा एडवांटेज है. लो फ्रिक्वेंसी करंट्स जो होते हैं वो थोड़े से पिंचिंग होते हैं, थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन कॉज करते हैं, जबकि मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स जो होते हैं इनकी पेनिट्रेशन ज़्यादा है, बेटर है, डीप पेनिट्रेशन है और इनकी टॉलरेंस अच्छी है. ये बिल्कुल भी जो है ना इरिटेशन वगैरह कॉज नहीं करते एज कम्पेयर टू द लो फ्रिक्वेंसी करंट्स. मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स को आप इंटरफेरेंशियल करंट्स भी कहते हैं और इंटरफेरेंशियल करंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज निमेक्स करंट्स. ठीक है, ये एक ही चीज़ है, इंटरफेरेंशियल करंट्स और निमेक्स करंट्स. अब इंटरफेरेंशियल करंट्स क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो इंटरफेयर करते हैं, इंटरफेरेंस बनती है उसमें. अब मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स में आप क्या करते हैं, दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स लेते हैं और उन दोनों को आपस में रिलेट करवाते हैं, वो दोनों इंटरफेस बनाते हैं, वो इंटरफेयर करते हैं, इंटरफेस बनती है और फिर आपको डिजायर्ड इफेक्ट आपका मिलता है, जो भी आपने उससे ट्रीटमेंट अपनी गेन करनी है. दैट इज वाई इसको आप इंटरफेरेंशियल करंट्स भी कहते हो. इन दिस द टू मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स आर यूज टू प्रोड्यूस अ लो फ्रिक्वेंसी इफेक्ट. अब ट्रीटमेंट पर्पजेज के लिए हम क्या करते हैं कि दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स लेते हैं और उससे हम क्या गेन कर रहे हैं, लो फ्रिक्वेंसी इफेक्ट ले रहे हैं. ठीक है, अब ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले FSC में मैट्रिक में कि जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं अगर हम उनको ओवरलैप कराते हैं तो या तो वो कंस्ट्रक्ट हो सकती हैं या डिस्ट्रक्ट हो सकती हैं या वो कॉन्टिन्यूस मैनर में फ्लो करती रहती हैं. तो यहाँ भी वही फिनोमिनन है, जो हम यहाँ यूज़ करें वो मोस्टली ये है कि डिस्ट्रक्टिव मेथड में यूज़ करना है कि दो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट्स हैं वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और फिर जो लो फ्रिक्वेंसी बच जाएगा वो हमारे ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. उसका इफेक्ट जो है वो लो फ्रिक्वेंसी वाला होगा लेकिन वो होगा मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट ही और उससे कोई बर्निंग सेंसेशन या कोई प्रिकिंग या कोई करंट, हीट, बर्न्स, कोई इस तरह की चीज बहुत रेयरली देखने में आती है. व्हाई डू वी यूज इंटरफेरेंशियल थेरेपी, IFT स्टैंड फॉर इंटरफेरेंशियल थेरेपी. नाउ मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स आर एसोसिएटेड विद अ लोअर स्किन रेजिस्टेंस. मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स जो होते हैं इनकी स्किन की जो रेजिस्टेंस है इनके अगेंस्ट दैट इज लो. स्किन की रेजिस्टेंस जिसे आप इम्पिडेंस कह लो, रेजिस्टेंस कह लो, कैपेसिटेंस, ये सारी बेसिकली होती क्या है, रेजिस्टेंस ही होती है. मोर कंफर्टेबल देन द लोअर फ्रिक्वेंसी करंट्स, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं. मोर टॉलरेबल पेनिट्रेशन ऑफ करंट थ्रू द स्किन इज पॉसिबल और इनकी पेनिट्रेशन जो है वो भी ज़्यादा डीप होती है, थोड़ी डेप्थ तक जाते हैं रादर देन द लो फ्रिक्वेंसी करंट. अब प्रिंसिपल क्या है कि द इंटरफेरेंशियल थेरेपी डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंशियल इफेक्ट ऑफ टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स क्रॉसिंग इन द पेशेंट्स टिश्यूज. अब हम पहले ही बस बात कर चुके हैं कि इंटरफेरेंशियल थेरेपी में हमने दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स लेने हैं जो कि फिर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. द इंटरफेरेंस प्रोड्यूस्ड बाय द टू करंट्स इन द टिश्यूज इज कॉल्ड द बीट फ्रीक्वेंसी. अब जो हमारी फ्रीक्वेंसी जो दो करंट्स के क्रॉस करने के बाद जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है, जो हमारी इंटरफेरेंशियल फ्रीक्वेंसी है, उसको हम बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं. फॉर एग्जांपल लेट अस टेक टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स.
एक आपने ले लिया सर्किट में, सर्किट ए में 4000 हर्ट्ज, फिर सर्किट बी में आपने ले लिया 3900 हर्ट्ज, ये दोनों मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स हैं। Where these two currents are applied to the tissues, at the point where the currents cross over a new beat frequency. Beat frequency कौन सी? जहाँ interference के बाद जो हमें frequency मिलेगी. Is set up whose amplitude is modulated and the frequency of new current is called beat frequency. जिसे आप beat frequency कहते हैं या interferential current की frequency कहते हैं, that is 100 hertz. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि destructive manner में आपकी waves जो हैं वो एक दूसरे को interfere कर रही हैं. अब ये हम देख रहे हैं कि थ्री टाइप के हमारे पास वेव्स की इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव एंड कंटीन्यूअस। ये फिजिक्स में से थोड़ा सा पुट किया हुआ है, बिकॉज बेसिकली आपकी जो वेव्स हैं ये सारी चीजें आप फिजिक्स में पहले, इनका वे ऑफ ट्रैवल, इनके मीडियम्स, इनकी वेवलेंथ, ये सारी चीजें आप पहले उसमें पढ़ के आते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है कि जब दो साइनसॉइडल वेव्स होती हैं वो एग्जैक्टली फेज में होती हैं, ठीक है, आर एग्जैक्टली इन फेज, और वन और टू और थ्री वेवलेंथ आउट ऑफ फेज, यानी कि या तो वो पूरी पूरी फेज में है या फिर उसकी जो अगली एक वेवलेंथ है वो आगे ट्रैवल कर गई है कम्प्लीट, या कम्प्लीट दो वेवलेंथ आगे ट्रैवल कर गई है लेकिन उसकी जो एक कर्व आ रही है ना वो फेज में है, वो एक जैसी होंगी, तो फिर क्या होता है एक दूसरे को ये सप्लीमेंट करती है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। इसको आप सिंपल समझ लें कि अगर ये 100 है इसकी फ्रिक्वेंसी, इसकी भी 100 फ्रिक्वेंसी है, तो यहाँ पे जब ये आएगी तो इसकी फ्रिक्वेंसी दोनों की कंस्ट्रक्ट हो जाती है, यहाँ पे डबल हो जाएगी, लेकिन हम ये वाले करंट यूज नहीं कर रहे, हम डिस्ट्रक्टिव मैनर यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब 1.5 वेवलेंथ का फर्क आ जाता है तो फिर क्या होता है कि वो कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, ये इस तरह है और ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो गई है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अब हम क्या यूज कर रहे हैं इन आवर सेटअप ऑफ इंटरफेरेंशियल करंट्स, हमारी मोस्टली जो है वो कॉन्टीन्यूस इंटरफेरेंस होती है, ठीक है, कि कहीं पे वो जो है स्लाइट वेव्स होती हैं, आउट ऑफ फेज होती हैं स्लाइट सा, ठीक है, तो वो एक सिंगल वेव जो आगे बना रहे हैं तो वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड होता है उसका प्रोग्रेसिवली। दिस कॉन्टीन्यूस इंटरफेरेंस इज द प्रिंसिपल दैट इज यूज इन प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंशियल करंट्स, ठीक है, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स। ये दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स हैं, इसका हमें रिजल्टेंट जो है ना वो इस तरह की एक वेव मिल जाएगी जिसमें हम प्रोग्रेसिवली देखेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रही है ना, वो बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं और ना ही वो बिल्कुल एक दूसरे को एम्पलीफाई कर रही हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन है कोई बेटा? मैम इसमें हम सिर्फ एक मतलब इंटरफेरेंस यूज करेंगे, कोई भी कंटीन्यूअस कर लो या आपने डिस्ट्रक्टिव, मैम डिस्ट्रक्टिव हम करेंगे या कंटीन्यूअस एमएफसी में? बेटा हम जो है कंटीन्यूअस जो हमारी है कंबाइंड इफेक्ट हम कंटीन्यूअस का देखते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि उसमें वो एक दूसरे को कम्प्लीटली कैंसिल आउट कर देती है अगर हाफ वेवलेंथ का डिफरेंस हो, अगर हाफ से कम का डिफरेंस है तो फिर वो माइनस भी हो जाता है, वो भी आ सकता है, लेकिन हमने इसमें कुछ नहीं करना होता। बेसिकली आपको प्रिंसिपल बताया हुआ है पीछे कि वेव्स जो हैं इसका इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने का ये प्रिंसिपल है, ठीक है। हमने मशीन में कुछ भी नहीं करना कि हम उसकी कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिव करवा रहे हैं डिस्ट्रक्टिव, हमने बेसिकली सिर्फ अप्लाई करना, मशीन के अंदर पहले से ही सेटअप होता है फ्रिक्वेंसीज का, ठीक है। हम ये सिर्फ इसलिए पढ़ें ताकि हमें पता हो कि बेसिकली आपकी इंटरफेरेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो किस तरह इंटरफेरेंस होती है, वो कंस्ट्रक्टिव भी होती है, डिस्ट्रक्टिव भी होती है, कंटीन्यूअस भी होती है, ये तीनों फिजिक्स की बातें हैं, ठीक है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस तीन टाइप की होती है और ये तीन टाइप से इंटरफेरेंशियल जो वेव्स होती हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि दोनों एड अप हो जाती हैं, डिस्ट्रक्टिव में दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, और कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड आता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्रीटमेंट का एरिया है और यहाँ पे इसके पूरे चारों साइड्स पे यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे बीच में हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है, ठीक है। बीच में ट्रीटमेंट एरिया होता है और चारों साइड्स पे आपने उसके इलेक्ट्रोड्स पुट कर देने होते हैं। अब हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो हमारे साथ इंटरफेरेंशियल थेरेपी में हमें पता होनी चाहिए।
Interferential current is the resultant current produced when two or more alternating currents are applied simultaneously at the point of intersection in a given medium. पहली चीज तो ये याद रखें कि जो लो फ्रीक्वेंसी करंट्स थे उसमें आप डायरेक्ट करंट यूज करते हैं, ठीक है, और जो आपके इंटरफेरेंशियल करंट्स होते हैं, ठीक है, मीडियम फ्रीक्वेंसी में इंटरफेरेंशियल करंट्स में आप हमेशा अल्टरनेटिंग करंट्स यूज करते हैं, ठीक है. अब दो इलेक्ट्रोड्स हैं और तो वहां से साइमल्टेनियसली दोनों में से हम करंट को ऑन कर देते हैं और वहां से उनकी अपने अपने करंट की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ वो पास करें और वो एक जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसके बाद वो इंटरफेरेंशियल करंट जनरेट कर देते हैं. इम्पीडेंस क्या होता है? इम्पीडेंस रेजिस्टेंस को कहते हैं, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, ये सारी चीज़ें बेसिकली सर्किट की इम्पीडेंस कहलाती हैं. दिस इम्पीडेंस इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस और इसको फिजिक्स में मेजर करने का ये मेथड भी होता है. और इम्पीडेंस जो है इसको आप फिजिक्स में डिनोट करते हो बाय जेड. एफ इज फ्रिक्वेंसी, सी इज कैपेसिटेंस एंड जेड इज इम्पीडेंस. The current traveling from 0 to 180 is called to be in same phase and the current traveling from 180 to 360 is called to be in the opposite phase. जो उसका यानी कि ऊपर वाली एक wavelength का part होता है जो 0 to 180 degree होता है उसको हम phase एक कहेंगे कि ये एक phase है और जो उसके opposite है उसको हम कहते हैं कि वो opposite phase में है. Wherever two waves of same frequency travel in same phase, then the peak of the crest of their crest and trough coincide, and the resultant wave have the amplitude more than the original amplitude. जब ये वही बात बता रही हैं कि अगर दो हम आपके पास waves हैं जिनकी frequency same है और phase भी same है, तो फिर क्या होगा? उनका जो crest होते हैं, crest कहते हैं एक wavelength है जो उसके upper वाला part है उसको आप कहते हैं crest, जो उसका lower part होता है wavelength का उसको आप कहते हैं trough. जो उसका क्रेस्ट है और जो उसका ट्रफ है, अगर वो दोनों वेव्स जो हैं सेम फ्रीक्वेंसी की हैं, सेम फेज में, तो वो दोनों एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं. तो इस तरह एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है उसकी वेवलेंथ जो है उसकी क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट का और ट्रफ का. आप कह सकते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है. इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि एनोटेट है और ये सॉफ्ट है, ठीक है. अब दो वेव्स हैं, अगर दोनों का सेम इसी साइज की सेम एक और वेव है, ठीक है, तो जब उनका रिजल्टेंट आप देखोगे तो उसमें ये होगा कि ये उसका क्रेस्ट और ट्रफ, ठीक है, उन दोनों का एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, उसका जो वेवलेंथ है वो सेम है. इतनी उसकी वेवलेंथ थी पहले भी, अभी भी उसकी इतनी ही वेवलेंथ है, लेकिन उसका जो क्रेस्ट और ट्राउट है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है. ठीक हो गया. If two currents are traveling with little difference in their frequency, then the amplitude of the resultant wave will increase or decrease in the regular cycle. This is called amplitude modulation. अभी हमने पहले जो example लेके draw करके देखा है वो था कि अगर उसका phase और frequency same है दो waves का, तो वो पिछले वाला pattern follow करेंगी. अगर जो उनका frequency में difference है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि फिर उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है. ये डिपेंड करता है कि कितना डिफरेंस आ रहा है फ्रीक्वेंसीज में, ठीक है. इस चीज को आप कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज डिनोटेड बाय द डिफरेंस ऑफ टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज एंड इज टर्म्ड एज बीट फ्रीक्वेंसी. ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही बेसिकली बीट फ्रीक्वेंसी आप कह रहे हैं. इंटरफेरेंस जो प्रोड्यूस हो रही है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के थ्रू ही प्रोड्यूस हो रही है कि कहाँ पे फ्रीक्वेंसीज मैच कर रही है, वो इन फेज हैं, कहाँ पे वो आउट ऑफ फेज हैं, स्लाइटली अगर आउट ऑफ फेज हैं तो फिर प्रोग्रेसिवली इंक्रीज और डिक्रीज करती हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है. इस चीज़ को आप कहते हो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से जो आपकी फ्रीक्वेंसी एंड पे आपको मिलती है उसको आप कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी. द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी हैज़ अ वैल्यू ऑफ एफ वन माइनस एफ टू. जो डिफरेंस होता है वो माइनस हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर एक फ्रीक्वेंसी 4000 हर्ट्ज की है, दूसरी फ्रीक्वेंसी 4150 हर्ट्ज की है,
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी F1 माइनस F2. F1 4000 माइनस 4100, तो 150 हर्ट्ज आपके पास आ जाती है उसकी वैल्यू आपकी बीट फ्रीक्वेंसी की या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी की, बोथ आर द सेम थिंग. ठीक है, इस तरह. The frequency with which the amplitude varies is referred to as the amplitude modulation frequency. In interferential therapy, the amplitude modulation frequency, treatment frequency, or beat frequency, sare ek hi cheez ke naam hai, corresponds to the frequency which are used in low frequency electrotherapy. Iske effect hume low frequency electrotherapy ki tarah मिल रहे हैं. ठीक है, ये हम क्योंकि देखें आप 41 था और वो 4 था, तो आपको जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही है जिस जो पेशेंट के टिश्यूज में जा रही है दैट इज 150. ठीक है, अब कहने को तो दैट इज अ लो फ्रीक्वेंसी क्योंकि मीडियम फ्रीक्वेंसी तो 1000 से 10000 तक है, तो 150 इज नॉट मीडियम फ्रीक्वेंसी, इट इज लो फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो हमें अल्टरनेटिंगली वही मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या है, ये प्रोडक्शन का ये मेथड क्यों बेटर है क्योंकि मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट जो है वो स्किन के लिए ज्यादा टॉलरेबल हैं, ये ज्यादा डीप पेनिट्रेशन होती है इनकी और एक अच्छा इफेक्ट होता है, डेंजरस नहीं होते एज कंपेयर टू द लो फ्रिक्वेंसी करंट. मैम, ये जो हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी से जो हमें फ्रिक्वेंसी हम अचीव कर रहे हैं उसको हम बीट फ्रिक्वेंसी कहेंगे. जी, उसको आप बीट फ्रिक्वेंसी कहेंगे. मॉड्यूलेशन डेप्थ, मॉड्यूलेशन ये आप कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि मॉड्यूलेशन डेप्थ क्या होता है. अपार्ट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेशन, द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय द डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन. द मॉड्यूलेशन विल बी बिटवीन 0 to 100%. अब ये डेप्थ देख रहे हैं कि जो आपने एम्पलीफिकेशन मॉड्यूलेशन की है उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी किस तरह का एक मॉड्यूलेशन पैटर्न आता है, या आगे हम डायग्राम में देखेंगे. स्वीप फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी व्हिच कैन बी डायरेक्टली फेड टू द बीट फ्रीक्वेंसी बाय द मशीन. अब स्वीप फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि आपने दो फ्रीक्वेंसीज आपने ऑन कर दी हैं, फीचर से मीडियम फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं. अब स्वीप फ्रीक्वेंसी वो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी होती है जो आप मशीन की हेल्प से इंक्रीज करते जाएँ, तो आप एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी जो अप्लाई कर रहे हैं ट्रीटमेंट फ्रीक्वेंसी में, दैट इज कॉल्ड एज स्वीप फ्रीक्वेंसी. It is possible to change the frequency between preset 1 and preset 1 plus additional frequency. जो additional frequency होती है इसको आप sweep कहते हैं. Spectrum क्या होता है कि interferential therapy makes use of principle of Bernard of varying the frequency to prevent accommodation. अब आप जब ये treatment apply करते हैं interferential therapy का, तो आप एक जगह पे frequency को set up करके छोड़ नहीं देते. ठीक है, आप उसको वेरी करते रहते हैं. क्यों वेरी करते रहते हैं, ताकि जो आपकी नर्व्स हैं, आपके मसल्स हैं, वो एकोमोडेट ना कर जाएं. एकोमोडेशन एक प्रॉपर्टी होती है नर्व्स की कि वो जो एक करंट आ रहा है उसको एकोमोडेट कर जाती हैं आफ्टर अ फ्यू इम्पल्सेस, और फिर वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं. तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, एकोमोडेशन की प्रॉपर्टी को, वी यूज अ स्पेक्ट्रम कि आप उसको फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं. आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है. बेटा आप अपना माइक बंद कर दें जिसका भी ऑन है. डिस्टॉर्शन इस तरह बाकी बच्चों को भी सही समझ नहीं आएगी. इंटरफेरेंशियल थेरेपी, हाँ स्पेक्ट्रम हमने देख लिया. स्पेक्ट्रम डिनोट्स द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. इन दिस रेंज ऑल फ्रीक्वेंसी आर ऑटोमेटिकली ट्रांसवर्स्ड, ऑटोमेटिकली होती हैं. आपने स्पेक्ट्रम का कुछ भी नहीं करना. आप बेसिकली आप ये सोच लो कि आपने ट्रीटमेंट अप्लाई किया, उसके बाद आप थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट जो उसका इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है, उसके ऊपर नॉब्स होते हैं जो स्पेक्ट्रम वाली फ्रिक्वेंसी, आप उसको थोड़ा सा इंक्रीज करते जाओगे ताकि एक फ्रिक्वेंसी वेरी करती जाए प्रोग्रेसिवली. ठीक है, द यूज ऑफ स्पेक्ट्रम हैज द एडवांटेज दैट अ टिश्यू डज नॉट अडैप्ट टू अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड थस अ गिवन ट्रीटमेंट कैन बी परफॉर्म फॉर अ लॉन्गर पीरियड एंड रिपीटेड मोर ऑफन. टिश्यूज जो है वो अडैप्ट नहीं करते. अडैप्ट करने से क्या होगा कि टिश्यूज उसको रिस्पॉन्ड करना ट्रीटमेंट को छोड़ देते हैं. The principle of using the sweep is that the machine is set to automatically vary the effective stimulation. Effective stimulation frequency using either preset or user set sweep ranges. अब इसमें sweep की जो range है, for example आप
ने 20 हर्ट्ज यानी से बल्कि एग्जांपल दी हुई कि 20 हर्ट्ज की आपकी बीट फ्रीक्वेंसी है या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, बोथ आर द सेम थिंग, 20 हर्ट्ज है ये आपने सेट कर दिया, तो फिर स्पेक्ट्रम में 50 हर्ट्ज आपने ऐड कर दिया है. अब क्या होगा कि मशीन अगर प्री सेट आपने कर दी है तो करंट आपका बिगिन होगा 20 हर्ट्ज से और सक्सेसिवली आहिस्ता आहिस्ता उसमें जो 50 हर्ट्ज का स्पेक्ट्रम आपने बिल्ड किया है वो ऐड होती जाएगी. ठीक है, 20 के बाद वो 21, 22 इस तरह ऐड होते होते 30, 40, 50, 60, 70 तक जाती है. ठीक है, और उसी उसके बाद 70 तक जाने के बाद जो आपकी स्पेक्ट्रम की रेंज थी 50 की वो ऐड हो गई आपकी बीट फ्रीक्वेंसी में. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो वापस ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है 70 से और वापस 20 हर्ट्ज तक आ जाती है. ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम. अब या तो वो प्री सेट होता है मशीन के अंदर या फिर यूजर जो है वो खुद भी स्वीप की रेंजेस को सेट कर सकता है. ठीक है, इन द मशीन. अब ये कर क्यों रहे हैं हम, ये चेंज क्यों कर रहे हैं कि 20 हर्ट्ज से प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करें और फिर बाद में डिक्रीज करें और ये स्पेक्ट्रम बनाना और ये स्वीप फ्रीक्वेंसी सब, किस वजह से? जस्ट टू अवॉइड द अडेप्टेशन प्रोसेस. ठीक है, द प्रोसेस इज रिपीटेड ऑटोमेटिकली, ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिकली होता रहता है. ये आप देख सकते हैं कि स्वीप पैटर्न है कि अभी हमने 90 हर्ट्ज हमारी बीट फ्रीक्वेंसी थी और हमने उसको 40 मजीद प्लस 40 हर्ट्ज जो है वो हमने स्पेक्ट्रम में रखा, यानी कि 130 तक वो चला जाएगा. तो वो इंक्रीज करेगी पहले, फिर डिक्रीज करेगी, फिर इंक्रीज करेगी, फिर डिक्रीज करेगी. कहाँ से इंक्रीज करी है, जो बीट फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या ऐड होता जाएगा, आपकी स्पेक्ट्रम में आपने जितनी रखी है, स्पेक्ट्रम आपने 40 हर्ट्ज का रखा है, 50 हर्ट्ज का रखा है, जितनी भी आपने एडिशनल फ्रीक्वेंसी रखी है, और उस एडिशनल फ्रीक्वेंसी को कहते क्या है, स्वीप. ठीक है, दैट इज अ स्वीप फ्रीक्वेंसी. और ये डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स और शेप्स आपके पास हो सकते हैं, ट्रायंगुलर पैटर्न होता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, ट्रेपिजॉइड पैटर्न होता है, ये सारा इंटरफेरेंशियल करंट्स का. ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये मॉड्यूलेशन हुई है. ये आपके पास डेप्थ जो यहाँ पे जीरो है, 0% है, यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 100% है, यहाँ पे सारी की सारी एक ही तरह से वेव जा रही है. यहाँ पे थोड़ी सी उनमें प्रोग्रेसिवली इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है. ठीक है, ये इसको अपने 50% माइंड में रखना. और जब वो बिल्कुल ही एक लेवल आता है कि जब वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है और एक टाइम पे वो बहुत ज्यादा है और एक टाइम पे वो बिल्कुल डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पे बिल्कुल आपकी 100% मीडियम फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट की मॉड्यूलेशन हो रही है. ठीक है, एडवांटेजेस क्या होते हैं इंटरफेरेंशियल करंट्स के? इंटरफेरेंशियल करंट्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी सेंसरी नर्व इरिटेशन, कोई आपकी सेंसरी नर्व की इरिटेशन नहीं करते, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एम्पलीट्यूड. कि कितना ज्यादा भी आप एम्पलीट्यूड कर लें तब भी इन्होंने सेंसरी नर्व्स को नहीं इरिटेट करना, अनलाइकली द लोअर फ्रिक्वेंसी करंट वो करते हैं. Their application is free of any burning sensation on the skin surface as is sometimes experienced with other low frequency currents which are disturbing to current sensitive patients. A medium frequency alternating current, medium frequency alternating AC hota hai, alternating current hota hai, low frequency direct current hota hai, is a high frequency and absence of direct current properties are the most suitable for treating deeper layers of tissues. Depth iski अच्छी होती है फॉर ट्रीटिंग. इट इज देयरफॉर मोस्ट यूजफुल इन ट्रीटिंग टिश्यूज एट अ ग्रेटर डेप्थ, फॉर एग्जांपल इन मसल्स, टेंडन्स, नर्व, बर्सा, पेरिओस्टियम, मतलब डीपर स्ट्रक्चर्स को हीट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए इंटरफेरेंशियल करंट्स जो होते हैं दीज आर प्रेफरेबली यूज्ड. अनलाइक गैल्वेनिक व्हिच हैज मोर रिएक्शन इन द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, IFT इज हार्मलेस. IFT इज इंटरफेरेंशियल थेरेपी. Resistance of skin is minimum while using the frequencies in the range of 4000 hertz and therefore higher doses can be given to the body without any discomfort to the tissue. The current can be localized more effectively in specific areas. Extensive areas can also be covered. Method of treatment. अब आपके पास क्या है कि skin जो है वो clean और clear होनी चाहिए before the treatment time.
ठीक है, जिस बॉडी के पार्ट को आपने ट्रीट करना है उसको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है, उसको एग्जामिन कर लेना है कि वहाँ पे कोई स्किन का लेजन वगैरह तो नहीं है। बाद में उसको वॉश करके पैड ड्राई करके आपने उसके ऊपर कोई पेट्रोलियम जेली वगैरह अप्लाई कर देनी है। इलेक्ट्रोड्स आपने प्लेस करने हैं कि वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हों, कि क्रॉसिंग पॉइंट जो है वो या तो अबव हो या फिर अराउंड द पार्ट हो, ठीक है। या इलेक्ट्रोड को आपने अपनी मर्जी से साइड बाई साइड नहीं रखते ना, क्रॉसिंग मैनर में रखना। The suitable frequency current should be given for different conditions. Spectrum को आपने select कर लेना है, spectrum mode को select कर लेना है कि आपको triangular, rectangular या trapezoid कोई से भी आप waves use कर सकते हैं for the treatment purpose. Select the base frequency and upper frequency. The difference between the upper and base frequency would give the spectrum. एक आपकी अब base frequency है जो आपने set कर दी है, that is your beat frequency. एक फिर अपर फ्रीक्वेंसी है जो स्वीप फ्रीक्वेंसी है जो आपने सिलेक्ट की है, वो आपका स्पेक्ट्रम जो होगा उसी के मुताबिक होता है। इंक्रीज द पावर जेंटली एंड कॉशियसली अंटिल द पेशेंट स्टार्ट फीलिंग द करंट। इट कैन बी इंक्रीज टिल द पेशेंट कैन टॉलरेट। जब तक पेशेंट इजीली टॉलरेट कर सकता है आप करंट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हो। The current in channel 1 and channel 2 are independently measured. If there is difference in current in both the channels, this can be equalized by the balance control provided for this purpose. ये भी मशीन के सेटअप के अंदर ही सारी चीजें होती हैं कि चैनल 1 का करंट कौन सा है, चैनल 2 का कौन सा है, उनका डिफरेंस कैसे आ रहा है, ठीक है। After the treatment, adjust the intensity controls to minimum. Switch off the mains and disconnect the electrodes. Application के अब क्या methods हैं? Methods of application जो है interferential currents के तीन methods हैं, static interference, dynamic interference and bipolar interference. Static में क्या होता है कि जो area in which the IFT is set up remains stationary. Static means stop, stationary रहना, ठीक है। इसमें एक क्लोवर लीफ की अपेयरेंस आ रही होती है। क्लोवर लीफ की मतलब जिसके चार पत्ते होते हैं, उस क्लोवर लीफ के फोर लीव्स होती हैं। तो आपने चारों तरफ चार इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं, 45 डिग्री का उनका एंगल है आपस में एक दूसरे से, इसको आप कहते हो क्लोवर लीफ अपेयरेंस आ रही है आपकी, दिस इज स्टैटिक इंटरफेरेंस। फिर डायनामिक में क्या होता है कि मूविंग द एरिया ऑफ इंटरफेरेंस। अब इसमें आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो आप मूव कर रहे होते हैं टू एंड फ्रो मैनर में, लेकिन उनके बीच में क्योंकि वो सारे इक्वली मूव करें, इक्वल डिस्टेंस से मूव करें, उनके बीच का जो एंगल है वो 45 ही रहता है, ठीक है। इसको आप वेक्टर स्वीप, वेक्टर स्कैन या रोटेटिंग वेक्टर भी कहते हैं डायनामिक इंटरफेरेंस को। बाईपोलर, बाईपोलर नाम से पता चल रहा है कि दो पोल्स होंगे। बाइपोलर में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड्स आप अप्लाई करते हो, ठीक है। एक आपने देखा है कि पहले हम चार चार इलेक्ट्रोड्स यूज करें स्टैटिक में, डायनामिक में, बाइपोलर में दो इलेक्ट्रोड्स हम यूज करेंगे। स्मॉलर एरियाज के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पे डिपेंड किस चीज पे करते हैं? करंट की मैग्नीट्यूड पे, मोड पे कि रिदमिक है, कांस्टेंट है करंट, फ्रीक्वेंसी पे, एक्यूरेसी ऑफ इलेक्ट्रोड कितने अच्छे से प्लेस किए हुए हैं इस चीज पे। अब जी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ये हैं कि पेन रिलीफ, मसल स्टिमुलेशन, इंक्रीज्ड लोकल ब्लड फ्लो और रिडक्शन ऑफ एडिमा। ये मेजर आपके पास फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं इंटरफेरेंशियल थेरेपी के। पेन रिलीफ कैसे होगा? Relief of pain is an important physiological effect obtained by the use of interferential therapy. Increase in local blood circulation due to the local pumping effect of the stimulated muscles and thus blood vessels help removing the chemicals from the local area. पहला क्या काम हो रहा है? क्या आपकी muscles और blood vessels जो हैं वो stimulate हो रही हैं, muscles contract करते हैं जब वो blood pump अच्छे से होता है वहाँ से blood vessels से, और muscles stimulate होते हैं, local pumping effect वहाँ अच्छा हो जाता है और वहां से आपके जो डेब्रिस है या जो केमिकल्स वहां पे जमा हुए होते हैं वो सारे वॉश आउट हो जाते हैं विद द ब्लड सर्कुलेशन। सेकेंडली, शॉर्ट ड्यूरेशन इम्पल्सिस एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज में स्टिमुलेट लार्ज डायमीटर नर्व फाइबर्स व्हिच विल हैव एन इफेक्ट ऑन द पेन गेट इन द पोस्टीरियर हॉर्न। सेकेंड काम क्या हो रहा है कि जो आपने हम पहले भी पेन गेट थ्योरी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोथेरेपी 1 में,
कि अगर आप लार्ज डायमीटर की नर्व फाइबर्स को एक्टिवेट कर देते हो तो जो आपके स्मॉल नोसीसेप्टर्स होते हैं जो पेन को कैरी करके जा रहे होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द पेन गेट थ्योरी लार्ज डायमीटर के फाइबर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं. बाई कैसे हो जाते हैं? बाई यूजिंग द फ्रिक्वेंसीज ऑफ 100 हर्ट्ज. ठीक है, तो इनहिबिट ट्रांसमिशन ऑफ स्मॉल डायमीटर नोसीसेप्टिव ट्रैफिक, उनको ब्लॉक कर देते हैं. A frequency of 80 to 100 hertz is usually chosen for this effect as the problem of accommodation is reduced. अब accommodate ना कर जाए तो थोड़ा सा आप vary करते रहते हो, आप 80 से 100 के बीच की frequency use करते हैं. In order to selectively activate the descending pain suppression system. अब ये भी हम पढ़ चुके हैं pain suppression system, pain gate control theory में. उसमें ठीक है कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 हर्ट्ज हमें रिक्वायर्ड होती है फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ स्मॉल डायमीटर फाइबर्स व्हिच विल इवेंचुअली कॉज द रिलीज ऑफ एंडोजेनस ओपिएट्स, यानी कि जो आपके स्पाइनल लेवल पे एंडोर्फिन्स एंड कैफिन्स ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं जो आपके हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, रिलैक्सिंग हार्मोन्स होते हैं. ठीक है, बाय यूजिंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 हर्ट्ज. तो इससे भी आपका पेन सप्रेस हो जाता है. ये डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं पेन रिलीफ करने के. A physiological blocking of nerve transmission is also postulated as a mechanism of pain modulation produced by interferential therapy. Nerve transmission ki blocking bhi ho jati hai, ye bhi interferential therapy ki wajah se, jiski wajah se pain ka mechanism block ho jata hai. It is thought that the maximum frequency of transmission in C nerve fibers is 15 hertz and in A delta fibers is 40 hertz. Ye jo aapke pain carrying fibers hote hain. मोटर स्टिमुलेशन पहला था पेन रिलीफ, सेकेंड वन वॉज द मसल स्टिमुलेशन और मोटर स्टिमुलेशन. नॉर्मली इनर्वेटेड मसल्स विल बी मेड टू कॉन्ट्रैक्ट इफ द इंटरफेरेंशियल फ्रिक्वेंसीज बिटवीन 1 and 100 आर यूज्ड. नॉर्मली आपके इनर्वेटेड मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं अगर आप 1 से 100 के बीच की फ्रिक्वेंसी यूज करें. द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन. एट लो फ्रिक्वेंसीज अ ट्विच इज प्रोड्यूस्ड. लो फ्रिक्वेंसी पे छोटा सा एक बिल्कुल मसल का एक हल्का सा ट्विच आपको नजर आता है कि बस मसल कंट्रैक्ट कर रहा है. अब जैसे जैसे उसको इंक्रीज करते जाएंगे आप 20 हर्ट्ज तक जाएंगे तो आपको एक बड़ा थोड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्शन एक पार्शल टेटनी टाइप फील होती है. और अगर आप 30 to 100 हर्ट्ज तक चले जाते हैं तो आपको पूरी एक टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन एक सवेर किस्म की एक कॉन्ट्रैक्शन फील होती है जो बड़ी स्पास्टिक और टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन होती है. A complete range of all of these type of muscle contraction can be seen when a rhythmic frequency of 1 to 100 is good. अगर आप अब मशीन को इतना ज़्यादा broad spectrum पे रख दो कि 1 से लेकर 100 तक पूरी frequency modulate करे, पहले 1 से increase करकर 100 तक जाए, फिर 100 से वापस 1 तक आए, अगर इतनी progressive increasing and decreasing आपने set की है तो आप complete type of muscle contraction देख सकते हो कि आप twitch भी देखोगे उसमें, आप उसमें partial tetany भी देखोगे उसमें, complete tetany भी देखोगे, एक severe किस्म की tetany contraction भी देखोगे, क्योंकि different type of muscle contraction आपने frequency ही पूरी range की set कर दिया. Muscle contraction is produced with little sensory stimulation and can be of deeply placed muscles, pelvic floor. अब deep structures को भी आप treat कर सकते हो interferential थेरेपी से, जिस तरह के आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स हैं ये डीपली प्लेस्ड होते हैं. इसकी ट्रीटमेंट में भी IFT जो है बहुत यूजफुल है. अनफॉर्चुनेटली द पेशेंट इज अनेबल टू वॉलंटरिली कंट्रैक्ट विद द करंट अनलाइक फेरेडिज्म. अब जब हमने फेरेडिज्म पढ़ा था, फेरेडिक करंट था, उसमें पेशेंट को हम वॉलंटरिली भी कहते हैं कि आप खुद भी कॉन्ट्रैक्ट करो. इसमें हम साथ इस तरह का कुछ नहीं कह रहे, बट दिस इज नॉट सीम टू एडवर्सली इफेक्ट द रिजल्ट्स. लेकिन इससे कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ा. इट इज क्लेम्ड दैट द रैपिड रिटर्न ऑफ टोन टू द पेल्विक फ्लोर व्हेन ट्रीटेड विद इंटरफेरेंशियल थेरेपी इज द रिजल्ट ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ बोथ द वॉलंटरी एंड स्मूथ मसल. फेरेडिज्म कैन ओनली स्टिमुलेट द वॉलंटरी कंपोनेंट. एक और अब यहाँ बेनिफिट क्या है कि पेल्विक फ्लोर के मसल्स में जो वॉलंटरी मसल्स हैं वो भी स्टिमुलेट करता है इंटरफेरेंशियल करंट, साथ साथ जो स्मूथ मसल्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं, उनको भी स्टिमुलेट करता है. इसीलिए ट्रीटमेंट ज़्यादा रैपिड हो जाती है, रैपिडली टोन आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स की टोन रैपिडली इंक्रीज कर जाती है, अच्छी हो जाती है.
देन वॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सुडेट्स. एक्सुडेट हम पहले भी देख चुके हैं कि जो भी आपका एडिमेटस साइट है या जहां से भी फ्लूइड लीक आउट कर रहा है ट्रॉमा के बाद, वो एक्सुडेट है. दिस इज एक्सिलरेटेड बाय अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 to 10 हर्ट्ज रिदमिक एज अ रिदमिकल पंपिंग एक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय मसल कंट्रैक्शन एंड देयर इज पॉसिबल एन इफेक्ट ऑन द ऑटोनॉमिक नर्व्स व्हिच कैन अफेक्ट द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देयरफॉर सर्कुलेशन. Both these factors will help absorb exudates and thus reduce the swelling or edema. क्या होता है कि जैसे जैसे आपका ब्लड वेसल्स में पंपिंग एक्शन ज्यादा होगा, मसल्स की पंपिंग अच्छी होगी, तो फिर वहां से जो भी एडिमा या जो भी एक्सुडेट वहां पे जमा हो जाता है वो सारा वॉश आउट होना स्टार्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है. तो इस तरह आपका एक्सुडेट क्लियर होगा और स्वेलिंग या एडिमा आपका रिड्यूस होगा. ये थे इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स. अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं कि जो कार्डियक पेसमेकर्स हैं, और हमेशा करंट्स आपने कार्डियक पेसमेकर वाले पेशेंट को चेस्ट पे अप्लाई नहीं करना, ठीक है? उसके चेस्ट के एरिया पे या हार्ट के कार्डियक एरिया पे आपने उस कोई भी टाइप के करंट्स हों, चाहे इंटरफेरेंशियल हैं, चाहे वो गैल्वेनिक या फेरेटिक करंट्स हैं, वो भी आप अप्लाई नहीं करते. कोई एडवांस्ड कार्डियक डिजीज है, हाइपरटेंशन है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर के पेशेंट में आपने बड़े ख्याल से करंट सप्लाई करने हैं कि कहीं मजीद उसको हाइपरटेंशन कॉज ना हो जाए, उसका बीपी कहीं एकदम शूट ना कर जाए. कोई थ्रोम्बोसिस है, थ्रोम्बस है, हेमरेज है, प्रेगनेंसी, न्योप्लाज्म कहते हैं कैंसर को या ट्यूमर को, ठीक है? टीबी है, टीबी में भी नहीं करना. फीवर, इन्फेक्शन, आइज के एरिया में नहीं करना. फिर आपने कोई स्किन के डिसऑर्डर्स हैं तो नहीं करना. एपिफिजियल रीजन इन चिल्ड्रन. एपिफिजियल रीजन क्या होता है? एपिफाइसिस कहते हैं बोन के उस पार्ट को जहाँ से बोन ग्रो कर रही होती है, द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द बोन, ठीक है? बच्चों में क्योंकि बोन्स ने अभी ग्रो करना होते हैं, उनके एपिफाइसिस अभी कंप्लीट नहीं हुई होती, बोन कम्प्लीटली एक लेंथ जो है ना बोन की वो अचीव नहीं होती, बोन्स ग्रो कर रही होती हैं, तो वहाँ उनमें भी आप अप्लाई एपिफिजियल रीजन में अप्लाई नहीं करते. प्रिकॉशंस में भी यही है कि मस्ट बी एटलीस्ट 6 meters अवे आपने रखना होता है शॉर्टवेव डायथर्मी की मशीन से आईएफटी के अपरेटस को, क्योंकि वो भी करंट है बेसिकली. शॉर्टवेव डायथर्मी एक हीटिंग मोडालिटी है और उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो कहीं ये आपकी जो करंट है ये उससे इंटरफेयर ना करे. एपिलेप्टिक पेशेंट्स में आपने या तो अप्लाई नहीं करना है, बहुत केयरफुली अप्लाई करना है कि कहीं उनको जो है कोई एडवर्स इफेक्ट्स आना ना स्टार्ट हो जाए. ओवर इंटीरियर चेस्ट वॉल, आपने इंटीरियर चेस्ट वॉल पे कॉशन के साथ अप्लाई करना है, ठीक है? प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, अब इन्होंने दिखा दिए कि ये आपके पास आप 4 इलेक्ट्रोड वाली प्लेसमेंट है कि आपके 2 रेड हैं और 2 ब्लैक हैं, इनको आपने क्रॉस मैनर में रखना होता है, ब्लैक टू ब्लैक एंड रेड टू रेड क्रॉस में. अब ये 2 भी वैसे ही है लेकिन ये साइज इनका छोटा है इलेक्ट्रोड से, इनका साइज बड़ा है. तो यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे डेंसिटी बन रही है, यहाँ पे करंट की डेंसिटी ज्यादा है, 4 में इक्वल डेंसिटी है, यहाँ पे सारी, यहाँ पे डेंसर है, यहाँ पे लेस डेंस है, अगर इलेक्ट्रोड स्मॉल हैं तो. अगर आप 2 इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो तो इस तरह, और अगर आपका 1 इलेक्ट्रोड स्मॉल है 1 इलेक्ट्रोड लार्ज है तो फिर इस तरह उसकी डेंसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, अब आप यूज करते हैं 3 टाइप के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं आप इंटरफेरेंशियल थेरेपी में, प्लेट इलेक्ट्रोड्स, वैक्यूम इलेक्ट्रोड्स एंड पेन इलेक्ट्रोड्स. प्लेट इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं कंडक्टिंग रबर के कंफर्टेबल लॉन्ग लास्टिंग पैड्स टाइप होते हैं, प्लेट्स होती हैं, पैड्स होते हैं, जिन्हें हम इजीली ट्रीटमेंट की सरफेस पे कंफर्टेबली प्लेस कर सकते हैं, ठीक है? लार्जर प्लेट्स होती हैं मोर कंफर्टेबल होती हैं, स्मॉलर प्लेट्स या स्मॉलर इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो लोकलाइज्ड इफेक्ट के लिए होते हैं, जरा सुपरफिशियल हो जाते हैं, फिर वो सुपरफिशियल एप्लीकेशन होती है उसकी. अटैच टू द पेशेंट बाय मींस ऑफ स्ट्रैप्स टू अश्योर अ गुड कॉन्टैक्ट एंड ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ ट्रीटमेंट. पेशेंट के साथ स्ट्रैप्स की हेल्प से आपने उनको अटैच कर देना होता है ताकि कॉन्टैक्ट अच्छा रहे, बार बार मूव ना करें वो. फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रैप्स हैं ब्लैक कलर के, स्ट्रैप्स के साथ आपने ये 4 प्लेट इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे प्लेस कर दिए, ठीक है? अब इसमें होगा क्या कि ये वाला अगर रेड है तो ये वाला ब्लैक है क्रॉस मैनर में, ठीक है? बैक पे अप्लाई किए हैं. देन देर आर वैक्यूम इलेक्ट्रोड्स मेड फ्रॉम अ वैक्यूम यूनिट प्लग इनटू अ रबर सक्शन कप कनेक्टेड टू अ मशीन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ वैक्यूम. अब इस तरह के होंगे, सक्शन कप की तरह है, ठीक है? सक्शन कप रबर का ही मटेरियल यूज हुआ है एक वैक्यूम क्रिएट करने के लिए. द सक्शन शुड नॉट बी कॉन्स्टेंट बिकॉज इट कैन बी अनकंफर्टेबल एंड कॉज ब्रूजिंग.
सक्शन का हमें पता है कि हमेशा ब्रूजिंग कॉज हो सकती है, इसीलिए उसको आपने बहुत ज्यादा जो है कांस्टेंट या बहुत ज्यादा टाइम के लिए यूज नहीं करना होता वो। और वेट स्पंज जो है आप उसके अंदर प्लेस कर देते हैं कप्स के अंदर, ठीक है, ताकि वो बेटर एडहेयर कर सकें स्किन पे। एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग फ्लैट स्मूथ एरियाज, फॉर एग्जाम्पल बैक है या फिर आप प्लम्प नी है, कोई भी एक्सटेंसिव और फ्लैट सर्फेसिस को ट्रीट करने के लिए वैक्यूम इलेक्ट्रोड अच्छे होते हैं। नॉट इंडिकेटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द हेरी एरियाज बिकॉज कांट गेट एन एयरटाइट सील। हेरी एरियाज पे जो है आप अप्लाई नहीं करते क्योंकि वहां पे ये अच्छे से अटैच नहीं होते, एयर टाइट सील नहीं बनती, वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा। इस तरह से आपके बैक पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये दो ब्लैक इलेक्ट्रोड्स हैं और ये दो रेड इलेक्ट्रोड्स हैं जो क्रॉस के मैनर में प्लेस किए हैं। इलेक्ट्रोड पोजीशनिंग अब कुछ पिक्चर्स दिखा दी हैं, ये सिंपल आपके जो पैड इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज हुए हैं, ठीक है, ये आपके बाई पोलर है कि आप इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये आपका फोर पोल्स हैं, इसमें फोर इलेक्ट्रोड्स आपकी, ये डिपेंड कर रहा होता है मशीन पे जिस एरिया पे आपने अप्लाई करना है उस पे। क्या आप अगर एक्सटेंसिव एरिया पे अप्लाई करना चाह रहे हो आप फोर इलेक्ट्रोड यूज कर लो, अगर आपने स्मॉल एरिया पे लोकलाइज इफेक्ट लेना है आप छोटे इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर लो और दो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर लो, ठीक है। ये नी पे, ठीक है, दिस वॉज एल्बो, नाउ दिस इज एप्लीकेशन ऑन द नी। इलेक्ट्रोड प्लेस सो दैट द टू सर्किट प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस करंट एंड द पेशेंट एक्सपीरियंस द ट्रिंगलिंग सेंसेशन ऑन एंड अराउंड द साइट ऑफ देयर प्रॉब्लम। यहाँ पे येलो और ब्लू इन्होंने दिखाया, तो येलो आपने क्रॉस में रखे और ब्लू क्रॉस में रखे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ना क्रॉस में दो इलेक्ट्रोड जो सेम कलर के उनको आपने क्रॉस में रखना है, ठीक है। इसी तरह नेक के एरिया पे अप्लाई है, ये शोल्डर पे अप्लाई किया है, ये लोअर बैक पे अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे आपको बहुत कम है कि कहीं आपको वैक्यूम इलेक्ट्रोड या कहीं आपको प्रॉपर प्लेट या पेन इलेक्ट्रोड देखने को मिले, आपको यहाँ पे इसी तरह के स्मॉल पैड्स जो है ना इलेक्ट्रोड के नजर आएंगे मोस्टली इन पाकिस्तान यही सेटअप होता है। इंटरफेरेंशियल करंट, ये उसकी एक और डायग्राम है कि बैक पे आपने इस तरह अप्लाई कर दिया। तो ये था आज का आपका लेक्चर जिसमें आपने मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स देखे हैं कि वो किस तरह किस प्रिंसिपल्स पे वर्क करते हैं, उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसके इलेक्ट्रोड्स आपने किस तरह प्लेस करने हैं, कितनी टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है जी। अब किसी का कोई क्वेश्चन? मैम स्वीप फ्रीक्वेंसी एक दफा रिपीट कर दें। अच्छा बेटा, स्वीप फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपकी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो आप एडिशनली अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो आप एडिशनली फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी जो आप अप्लाई कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज स्वीप फ्रीक्वेंसी। के एक फ्रीक्वेंसी आपने सेट कर दी है पहले से ही कि 20 हर्ट्ज जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है जो आपने पेशेंट को देनी है, ठीक है। अब उस फ्रीक्वेंसी में ये आपकी प्रीसेट फ्रीक्वेंसी है, इसमें आप एक जो एडिशनल फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं दैट इज द स्वीप फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके लिए आप एक स्पेक्ट्रम सेट कर रहे हो। स्पेक्ट्रम ये एक ब्रॉड टर्म है कि आपने 50 हर्ट्ज का स्पेक्ट्रम लिया है कि वो 20 के साथ आहिस्ता 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 50 प्लस होते जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो माइनस होगी, और ये जो 50 हर्ट्ज आपने एक्स्ट्रा डाली है दिस इज योर स्वीप फ्रीक्वेंसी। ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अडेप्ट ना कर जाएं, कहीं आपकी नर्व्स या मसल्स जो टिश्यूज हैं वो अडेप्टेशन ना कर लें उस एक कांस्टेंट एक फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज की। अगर आप सिर्फ 20 हर्ट्ज अप्लाई करो उस पर अडेप्ट कर जाएंगे और फिर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे ट्रीटमेंट को। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप एक्स्ट्रा स्वीप ऐड करते हैं जी। बेटा अटेंडेंस का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। ठीक है मैम, टोटल लेक्चर्स कितने हैं? बेटा 14 है लेक्चर्स इसका। ओके ठीक है, चलें बेटा आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।
जी बेटा महानूर, आप क्या पूछना चाह रहे थे मुझसे? मैम वो मैंने आपसे यही पूछना था कि मैम वो एडिमा, वैसे पिटिंग एडिमा जो है वो फुट तक भी है थोड़ा थोड़ा, तो मैम असल में उसकी रीजन तो वैसे किसी को इतनी खास समझ नहीं आती, कोई कहता है ब्लड प्रेशर की रीजन है। टेस्ट करवाया है किडनीज में, अगर जब आपने उनके रीनल फंक्शन टेस्ट कराए हैं? मैम यस वो नॉर्मल है। अच्छा रीनल फंक्शन यानी कि नेफ्रोलॉजिस्ट को आपने चेक कराया है, वो कहते हैं किडनीज का फंक्शन नॉर्मल है? मैम उन्होंने ब्लड प्रेशर का चेक करवाया था और जो ये बाकी टेस्ट है वो भी उन्होंने, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ रहा है ठीक है। सेकंड थिंग ये कि एडिमा भी है, तो कहीं ना कहीं उनकी किडनीज इन्वॉल्व हो रही है, आप किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाओ। देखो ब्लड प्रेशर जो है ये भी किडनी रेगुलेट करती है ठीक है। यस मैम, अगर उनका पिटिंग एडिमा है फुट पे, ये भी एक साइन होता है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है ठीक है, तो आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को एक दफा चेक करा लें ठीक है। जी मैम ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहता और कार्डियक पेशेंट्स में, या फिर अगर किडनी का प्रॉब्लम है सेकेंडली। और सेकेंडली जो आप बात कर रही थी कि थर्मल बेड यूज कर सकते हैं या नहीं, तो थर्मल बेड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आजकल वैसे ही समर्स हैं, गर्मी है, और अगर ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो फिर उसको आप बड़ी कॉशन के साथ अप्लाई करते हो, जूस वगैरह उसको साथ रख के कूल और कूजी इन्वायरमेंट में उनको अप्लाई करना, अदरवाइज ये हो जाएगा कि कहीं उनका ब्लड प्रेशर मजीद इंक्रीज ना हो जाए ठीक है। तो ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के साथ साथ आप अप्लाई कर सकते हो। ओके मैम ठीक है, थैंक यू मैम।